चलूंगा। उसका आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक के लिए भी एक से एक उन्होंने काम किया है, जो ऐतिहासिक काम किया है, आवासीय विद्यालय बनाना, बच्चों को पढ़वाना, बच्चों को रखने की व्यवस्था, हॉस्टल बनवाना, मदरसा के मामला में, हर मामला में सबके लिए, न कि मुसलमान के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, देश में पहला ही नेता है आदम कुमार जी, विकास के साथ साथ बराबर भाईचारा, मोहब्बत, सौहार्द बनाकर बिहार को लेकर चलने का काम करते हैं। जो पिछली बार जिम्मेवारी मिली है, मैंने निभाया है। आज भी मैं वादा करता हूँ आपके बीच में, जनता के बीच में, निश्चित तौर पर मैं काम भी करूंगा, संघर्ष भी करूंगा और आगे नेता का अपने काम आगे बढ़ाऊंगा। फिर से मौका मिला है, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? चलूंगा। उसका आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक के लिए भी एक से एक उन्होंने काम किया है, जो ऐतिहासिक काम किया है, आवासीय विद्यालय बनाना, बच्चों को पढ़वाना, बच्चों को रखने की व्यवस्था, हॉस्टल बनवाना, मदरसा के मामला में, हर मामला में सबके लिए, न कि मुसलमान के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, देश में पहला ही नेता है आदम कुमार जी, विकास के साथ साथ बराबर भाईचारा, मोहब्बत, सौहार्द बनाकर बिहार को लेकर चलने का काम करते हैं। जो पिछली बार जिम्मेवारी मिली है, मैंने निभाया है। आज भी मैं वादा करता हूँ आपके बीच में, जनता के बीच में, निश्चित तौर पर मैं काम भी करूंगा, संघर्ष भी करूंगा और आगे नेता का अपने काम आगे बढ़ाऊंगा। फिर से मौका मिला है, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? चलूंगा। उसका आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक के लिए भी एक से एक उन्होंने काम किया है, जो ऐतिहासिक काम किया है, आवासीय विद्यालय बनाना, बच्चों को पढ़वाना, बच्चों को रखने की व्यवस्था, हॉस्टल बनवाना, मदरसा के मामला में, हर मामला में सबके लिए, न कि मुसलमान के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, देश में पहला ही नेता है आदम कुमार जी, विकास के साथ साथ बराबर भाईचारा, मोहब्बत, सौहार्द बनाकर बिहार को लेकर चलने का काम करते हैं। जो पिछली बार जिम्मेवारी मिली है, मैंने निभाया है। आज भी मैं वादा करता हूँ आपके बीच में, जनता के बीच में, निश्चित तौर पर मैं काम भी करूंगा, संघर्ष भी करूंगा और आगे नेता का अपने काम आगे बढ़ाऊंगा। फिर से मौका मिला है, इसके लिए किसको श्रेय देंगे? चलूंगा। उसका आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक के लिए भी एक से एक उन्होंने काम किया है, जो ऐतिहासिक काम किया है, आवासीय विद्यालय बनाना, बच्चों को पढ़वाना, बच्चों को रखने की व्यवस्था, हॉस्टल बनवाना, मदरसा के मामला में, हर मामला में सबके लिए, न कि मुसलमान के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, देश में पहला ही नेता है आदम कुमार जी, विकास के साथ साथ बराबर भाईचारा, मोहब्बत, सौहार्द बनाकर बिहार को लेकर चलने का काम करते हैं। जो पिछली बार जिम्मेवारी मिली है, मैंने निभाया है। आज भी मैं वादा करता हूँ आपके बीच में, जनता के बीच में, निश्चित तौर पर मैं काम भी करूंगा, संघर्ष भी करूंगा और आगे नेता का अपने काम आगे बढ़ाऊंगा। फिर से मौका मिला है, इसके लिए किसको श्रेय देंगे?